हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, प्रसन्न हूँ। नहीं, अच्छी तो नहीं हूँ, इसमें बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है कि घर के आधे से ज़्यादा काम इसके चाचा पापा कर रहे हैं और मैं एक हाथ से जो हो सकता है बस वही कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बाकी ओवरऑल मैं ठीक हूँ। और मौसम की वजह से ये दर्द उभर गया है। अभी आज से मैंने इसमें पत्ता बांधना शुरू किया है, पत्थर चट्टा वाला, तो थोड़ा सा आराम है। पता नहीं कैसे, मुझे लगा था जल्दी ठीक हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं, टाइम लग गया। आज तीसरा दिन है, आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दर्द। यहाँ होता है मुझे दर्द और वो दर्द खिंच के मुझे यहाँ तक आ गया, उसकी तड़क जो है वो यहाँ तक फैल गई है, तो पूरा हाथ बांधना पड़ा। और आज पूरी तरह से मैं रेस्ट कर रही हूँ इस हाथ के लिए, बिल्कुल कोई काम वाम नहीं किया है ज़्यादा, थोड़ी बहुत हेल्प की है तो बाकी ठीक है। उसे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बीमार हूँ, लेकिन बस ऐसे ही हम लोग का दिन गुजर रहा है। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। इधर बीच बैठे बैठे फिर यही एक काम होता है कि सबके कमेंट्स रीड कर लो, मेल वगैरह चेक कर लो। और अभी भी मतलब 1-1.5 साल हो गया है मुझे अपना अंजीर मुनक्का वाला वीडियो अपलोड किए, टाइफाइड वाला ब्लॉग अपलोड किए, उस पर अभी भी कमेंट्स आते हैं तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। कई लोग मुझसे मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं और मैं उन्हें बस यही लिख के भेजती हूँ कि आप मुझे मेल कीजिए, बहुत अर्जेंसी होगी तो आप अपना नंबर डाल दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगी। लेकिन मैं पब्लिकली अपना नंबर नहीं दे सकती हूँ और मैं फ़ोन हमेशा मेरा साइलेंट पे होता है, बच्चे की स्टडी वगैरह होती है, बच्चे का वर्क आता है, तो वैसे ही कहाँ इतना समय है कि मैं उस पर ध्यान दे पाऊँगी। तो मेल मैं ज़रूर चेक करती हूँ 1-2 दिन के अंतर पे, तो अगर आप लोग मेल करते हैं तो आप लोगों को उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। बहुत अर्जेंसी है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपको बिल्कुल बात करना ज़रूरी है, तो आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं उस पर कॉल बैक कर लूँगी। सो मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई ज़रूर कर देती हूँ। बहुत ही रेयर होता है कि मुझसे मिस होती है कोई भी चीज़, अदरवाइज़ मैं अभी तक तो वफादार हूँ क्योंकि कोई काम धंधा ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा कमेंट्स भी नहीं आते हैं, लेकिन जिन लोगों के आते हैं मैं उन्हें रिप्लाई कर देती हूँ दोस्तों। और 15 अगस्त एकदम नज़दीक है तो काफ़ी सारे टास्क आ रहे हैं उत्कर्ष के लिए। उत्कर्ष को बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने राष्ट्रगान तैयार किया, इन्होंने एक बैच तैयार किया है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। इसे तो बहुत मज़ा आया और चूंकि मैंने बचपन में ये सब कभी नहीं किया तो मुझे भी इसके साथ लग के ना बहुत मज़ा आता है। हमारे पास अगर कलर्ड पेपर नहीं होता तो हम उसे पहले कलर फिल करते हैं फिर उसकी कटिंग करते हैं और मज़ा आता है। मतलब बनी बनाई चीज़ें तो आसानी से मिल जाती हैं लेकिन खुद बना के चीज़ों को इन्जॉय किया जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग भी घर में बच्चों को ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाइएगा। और 1-2 लोगों ने लिखा था कि उनके बच्चे इसकी एक्टिविटी देख के कुछ कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, कंपटीशन में ही सही, लेकिन मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है उत्कर्ष के कारण, बच्चों का कुछ बढ़ावा मिलता है, बच्चे कुछ करते हैं उत्साह में, तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी सफलता क्या होगी। वीडियो बनाना सार्थक हो गया, मेरा इसको सिखाना सार्थक हो गया, और ये जो उछल उछल के मेरे व्लॉग में आता है, कहता है मेरा भी चैनल है, मैं भी अपना कुछ डालूंगा, वो भी सार्थक हो गया। तो मौसम भी ऐसे ही कुछ है, ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ठंडी हवा से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और व्लॉग मैं इस रूम में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे रूम में उत्कर्ष की इतनी सारी चीज़ें फैली हुई हैं, अभी आर्ट एंड क्राफ्ट इसका चल ही रहा है और ये कुछ कुछ अपनी तरफ से भी करके स्कूल में भेजते हैं, तो सब बच्चों को भी अच्छा लगता है, मैडम को भी अच्छा लगता है और वहाँ के और बच्चे भी करके भेजते हैं जो हम लोग देखते हैं। तो बस ये सीखने और सिखाने में ही हम लोगों का समय चला जाता है। आप लोग भी प्लीज़ इसी तरह कुछ कुछ चीज़ें शेयर करते रहिएगा तो मम्मा बेटू का उत्साह बना रहेगा। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आज मैं मेल जब चेक कर रही थी तो एडसन की तरफ से मेल आया था, कुछ सुजैन करके कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिन्होंने मेल भेजा था, उन्होंने लिखा था कि आप अपने चैनल को प्लीज़ मोनेटाइज करा लें, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके चैनल की ग्रो क्या है, आपको कितनी अर्निंग हो रही है और आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसे इसलिए अवॉइड किया क्योंकि वो सिर्फ आपको 3 चांस देते हैं आपके YouTube चैनल के लिए। आप एक बार ने अगर आपने ये चेक कर लिया तो दूसरी बार आप अगर कभी डालते हैं तो वो फिर उसके बाद आपको वार्निंग दे देंगे कि अब लास्ट टाइम आपके पास बचा है, अगर लास्ट टाइम आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लिया तो आप अपने चैनल को कभी मोनेटाइज नहीं करा पाएंगे। तो मुझे लगा कि अभी अवॉइड ही करते हैं, कमाने तो कितना कमाएंगे वो लोग, और कमाते हैं तो कमाएं। जब उन्होंने ये लिख दिया है कि वो कोरोना पीड़ित लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कोविड पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं जगह जगह और इवन इंडिया में भी कर रहे हैं, तो फिर मैं ऐसे जाके तो किसी की हेल्प नहीं कर रही हूँ। चलो मेरे यूट्यूब चैनल से वो लोग जो भी कमाएंगे उसमें लग जाएगा, कहीं ना कहीं दुआएं और बेनिफिट मुझे भी मिलेगा। तुम क्यों हंस रहे थे जी? उच्चारण गड़बड़ हो गया मम्मा का, इसलिए हो जाता है कभी कभी, मम्मा जब करके जल्दी जल्दी बोलती है, मम्मा से भी मिस्टेक होती है।
ये वक्त मेरा तो रसोई में जाने का है दोस्तों, लेकिन आज उत्कर्ष के चाचू कुछ बनाएंगे टेस्टी टेस्टी, और ये तो बहुत खुश है क्योंकि उसको अपने चाचा के हाथ का खाना बहुत पसंद है। ये हर समय जैसे ही मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है तो फट से जाके कहता है मैं अपने चाचू से बनवा लूँ, मैं चाचू से कह दूँ। तो आज उनके हाथों का सबको खाने को मिलेगा, और अगर वो कुछ नई रेसिपी ट्राई करते हैं तो उसे मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, अदरवाइज देखते हैं उनका क्या मन है। दोस्तों नाश्ता कम खाना मतलब डिनर हम लोगों का एक ही जैसा हो गया। उत्कर्ष ने अपने चाचू से इतनी छोटी छोटी सी मीठी रोटियां बनवाई थी बॉर्नविटा डाल के, जो उसे पसंद है। सभी ने ऑलमोस्ट खा लिया जल्दी जल्दी, आलू टमाटर की सब्जी और ऐसे ही चटर पटर उसके चाचू ने बना दिया था क्योंकि वो थके रहते हैं, तो जैसा उनने बना दिया हम सब ने खा लिया। और इसलिए मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं की है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जो आजकल छोटी छोटी सी झलकी डाल रही हूँ सॉन्ग्स की, वो मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए बनाती हूँ, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल देती हूँ, जिन लोगों को पसंद आए वो सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। पूरा पूरा सॉन्ग मैं नहीं गाती हूँ आजकल, बताया है मैंने आपको कि बहुत नॉइस पॉल्यूशन आती है, छोटी छोटी झलकी ही गा लूँ वही बहुत है, उसमें भी इतना डिस्टर्बेंस आता है कि मैं क्या कहूँ। और क्योंकि मुझे गाने का शौक है और मैं गाती हूँ, कोशिश करती हूँ, तो उत्कर्ष के पापा चाचा कुछ ऐसा केबिन टाइप का बनवाने की सोच रहे हैं, ये बारिश का मौसम बीत जाए तो वो केबिन एक बनवा देंगे जिसमें साउंड थोड़ा कम आए। वैसे भी उत्कर्ष कोई प्रेजेंटेशन देता है या उत्कर्ष के पापा क्लास वगैरह लेते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो संभवतः उस टाइम केबिन बन जाएगा, वो हम सबके काम आएगा, तब मैं पूरे पूरे फुल सॉन्ग गाऊंगी। अभी आप लोग झलकी का आनंद लीजिए, और हो सके तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मैं गा के डालती हूँ, बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं दोस्तों, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वहाँ पे और भी ऐसे बहुत प्यारे प्यारे सिंगर्स हैं जिनका मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस प्रैक्टिस जारी रहती है, और म्यूज़िक में एक ऐसी शक्ति होती है कि आपका मूड जिस भी मूड में आप हैं उस मूड में वो आपको रिलैक्स फील कराता है, चाहे आप सैड हों, चाहे आप उदास हों, चाहे आप इंजॉय करने के मूड में हों। तो बस मैं भी इसीलिए हर समय संगीत का सहारा लिए रहती हूँ, एंजॉय करती हूँ, थोड़ा उत्कर्ष को सिखाती हूँ, अभी से उसका अगर थोड़ा थोड़ा बेस बनेगा तो इन फ्यूचर अच्छी तरह से ट्रेनिंग अगर मिल जाएगी तो वो अच्छा सीखेगा। तो बस आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, और हम लोग इसी तरह सीखते सिखाते रहें और आप लोगों का मनोरंजन करते रहें। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। गुड नाइट।